Alhamdulillah, Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa khairul hadith kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون हर किस्म की मालिक अल्लाह मालिक मुल्क ही है जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों तक की पूजा की बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहरीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जमीन नियाज को मालिक कायनात की बारगाह में हमें झुकाया करें, इनकी सदाओं को बुलंद उजागर किया करें, इसी तस्वीर की गाया करें। चुनाचे इरशाद हुआ वह माँ फलक दिल जन्ना वाले सैदा लिया बुदूम का बेशुमार दरूद सलाम हो अल्लाह के जरिए अहले कायनात की हिदायत उनकी रहनुमाई का हूँ बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अल हुदा अलैहि सलाम तस्लीम की सीरत तैयबा में तरह तरह की असूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गुना को किस्म की सिफात को मुकद्दस का हिस्सा बना दिया था और इन तमाम बातों पर दलिए कि मेरे आका की जिंदगी में कोई सुख हो, कोई शाम, कोई रात, दुखों की कोई घड़ी और शिकल हमें ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात अपनी दाई तो अपनी नुसरत और अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया। और इन तमाम बातों से बढ़ करिए कि रश्कर अपने अपनी आखिरी किताब हबीब को सैदुल्लबली इमामुल्मुत्तकीन वल्लबरार हजरत अशरफुल्नबिया वल्मुरसलीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतर बना दिन फरमा दिया था। इसी किताब हबीब के इंतहाई मसीह गुली गनवान के हवाले से जिसका ताल्लुक हिदायत के साथ था अपनी जन गुजारिशा को आप हजरात में गोशगुजार करने का अच्छा जानवेशारी था, लेकिन इस स्ना के अंदर मुकदसात उम्मत की तोहीन के वाकयात पै दर पे रुनुमा होते रहे। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को अलानिया तौर पर काफिर कहा जाता रहा और अभी हाल ही के अंदर दोबारा सैयदना अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा को कराची के अंदर बकाया तौर के ऊपर सरेआम लांगतान का निशाना बनाया गया। अल-अयाज़ुबिल्लाह हज़रात ग्रामी कदर इस सिमत के अंदर मैं अपनी चंद गुज़ारिशात को आप हज़रात के गोशगुज़ार कर रहा था कि ऐसे आलम के अंदर फ्रांस के बदनाम जमाना हफ्तावार जरीदे चार्ली एब्डो ने एक मरतबा फिर 2015 के बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके बनाने का दोबारा ऐलान कर दिया है। फ्रांस के सदर मैक्रॉन ने इस बात की मुदम्मत करने से इनकार कर दिया है और ये बात कही है कि हमारे मुल्क के अंदर हर बंदे को अपनी मर्जी की बात करने का, फ्रीडम एक्सप्रेशन का, आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। चुनाचे हम ब्लैस्फेमी का मसला हो या कोई और मसला हो उसके अंदर उसके बारे में गलत पेशकदमी मार करने वाले किसी जरीदे की मुरम्मत नहीं कर सकते। हजरात ग्रामी कदर एक तरफ तो मैक्रॉन का ये बयान है जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत मुबारक के हवाले से, आपकी अजमत के हवाले से, आपकी नामूस और आपकी रिफत के हवाले से एक एतबार सब के साथ इश्तराक अमल की बात कर रहा है या यहदी की बात कर रहा है और हजरात ग्रामी कदर दूसरी तरफ फ्रांस के अंदर आज़ादी इजहार का मयार ये है कि मुसलमान औरत अगर आज फ्रांस के अंदर निकाब करती है तो उसको निकाब करने की इजाजत नहीं है। सोचने की बात यह है ये कौन सी हुर्रियत फिक्र है, ये कौन सा आज़ादी इजहार है जो पैगंबर जमा की नामूस के ऊपर तो हमला करने की इजाजत देता है लेकिन मुसलमान औरत को निकाब करने की इजाजत नहीं देता। हुर्रियत फिक्र आजादी इजहार जमहूरी आजादियों की आड़ के अंदर ये दोरे मयार हजरात ग्रामी कदर अपने अरसे से इनका मुशाहदा कर रहे हैं। हजरात ग्रामी कदर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रूनमा होने वाले
इस सारे के सारे वाक्य ने एक मतबा फिर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, आपकी रिफत, आपकी मंजिलत, आपके मुकाम और आपकी शख्सियत को एक मतबा फिर उजागर किया है। हजरत ग्रामी कदर कुछ बातें फ्रांस के सिद्धांत के हवाले से और कुछ बातें साहबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन को सफ़ो शतम करने वाले और उनकी तकफीर के ऊपर इसरार करने वाले अनासिर के हवाले से आज के खुतबाए जुमा में मैं आप हजरात के गोश गुजार करने के लिए जा रहा हूं। और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से ये मिंबर जो हजरत अल्लामा शहीद का मिंबर है, ये मिंबर जो शहीद राह हक का मिंबर है, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से यहाँ जब हक की आएगी गर्दन को कटवा तो सकते हैं लेकिन इंशाअल्लाह जुमाना दोबारा नहीं कर सकते। हजरात ग्रामी कदर हमारा अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से एक लंबा कैरियर है जिसके अंदर इल्म है, इस्तदलाल है, बराहीन है, कलम है, किताबत है, तहरीर है, तकरीर है, ना इश्तियाल अंग्रेजी के कायल है ना इश्तियाल अंग्रेजी की इजाजत देते हैं। हम तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, हम तो इस मुल्क के अंदर मांगते हैं तो हजरत रसूलुल्लाह की असमत का तहफ्फुज़ मांगते हैं, सिद्दीक़ और फारूक की असमत का तहफ्फुज़ मांगते हैं, ज़िन्नुरैन और अली अल-मुर्तज़ा और हसन और हुसैन की असमत की बात करने वाले, हजरत अमीर मुआविया के तकब्बुर की बात करने वाले, उम्महातुल मोमिनीन की हुर्मत की बात करने वाले, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से इस मसले के अंदर हमें मुकदमात को झीलना पड़े हम झीलने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल करम से हाथों में कड़ी को पहनना पड़े हथकड़ी को पहनने के लिए तैयार हैं, पैरों में बेड़ियों को डलवाना पड़े बेड़ियों को डलवाने के लिए तैयार हैं, हत्ता के गले के अंदर फांसी के फंदे को भी डलवाना पड़े डलवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये हाथ कट सकते हैं लेकिन बातिल का साथ नहीं दे सकते, और ये जुबान कट सकती है लेकिन बादल का साथ नहीं दे सकती। हजरात ग्रामी कदर एक वक्त था, ये बात करने के बाद दोबारा कब से मज़मून की तरफ आऊंगा, जब हजरत अल्लामा शहीद के ऊपर मुल्क के अंदर जा बजा तौर पर जिला बंदियों के ऑर्डर जारी कर दिए गए, उनकी कई किताबों की जब्ती के पैगाम को नशर कर दिया गया, हजरात ग्रामी कदर कई मुकदमात का उनको असीर बना दिया गया, हजरत शहीद मिल्लत ने सबर का ऐलान फरमा दिया, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, के खून दिल में डबोली हम लिया मैंने और लबों में मोहर है तो क्या, के रख दिया रलकाए जंजीर में सुबह मैंने। हजरत ग्रामी कदर अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं, मुल्क में अमनो आजादी चाहते हैं लेकिन इस मुल्क के अंदर नबी मेहरबान की हद में नबूवत का तहफ्फुज़ चाहते हैं, सिद्दीक की सदाकत का बोल बोला चाहते हैं, फारूक की अदालत के फुरेरे को लहराना चाहते हैं, ज़िन्नुरैन की सहावत का डंका बजाना चाहते हैं और अली अल-मुर्तज़ा की शजाअत का तराना गाना चाहते हैं, और हजरत अमीर मुआविया के तदब्बुर और उनकी जिंदगी और उनकी सीरत से अहले इस्लाम और अहले दीन को आगाह करना चाहते हैं। हजरत ग्रामी कदर ये हमारा आईनी शरी कानूनी हक है और हम अल्लाह के फ़ज़्ल करम से अपने लिए कोई तौहीन का परमट नहीं मांग रहे बल्कि अपने लिए मांगते हैं तो एक दाल इल्म इस्तदलाल का प्लेटफॉर्म मांगते हैं जिसका मकसद मुकद्दसात उम्मत के अल्लाह के फ़ज़्ल करम से शख्सियतों के दार का तहफ्फुज़ है। हजरत ग्रामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो को दोबारा पलटाना चाहता हूं कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अंदर कोई इत्तेफाकी तौर पर इतने बुलंद मुकाम के ऊपर नहीं गए बल्कि ये अल्लाह की मंशा थी, अल्लाह की मशीयत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कायनात का सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम इंसान बना दिया। हजरत ग्रामी कदर सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को इस बात का रास्ता दिखलाया कि वो सिराते मुस्तकीम की तलब और तमन्ना और सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलने की दुआ मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला दीजिए, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह जो रास्ता है उन लोगों का जिनके ऊपर तूने इनाम किया। इनाम याफ्ता गिरोह चार हैं, जमातें चार हैं, उलाइक अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइक रफीका। इनाम याफ्ता जमीयत नबियों की जमीयत है, इनाम याफ्ता जमात सिद्दीकों की जमात है, इनाम याफ्ता जमात शुहदा की जमात है, इनाम याफ्ता जमात सुलहा की जमात है। सुलहा वो जो जुबान से कलमा ए तैयबा को पढ़ने वाले थे। एक हिस्से की बात कर रहा हूं, मतलब एक जुज की बात कर रहा हूं, जो अपने ईमान का जुबानों से इजहार करने वाले थे। शुहदा वो जिन्होंने अपने ईमानों का इजहार जुबान से नहीं किया, बल्कि अपने ईमान के सबूत के लिए लहू की मोहर को लगाकर और अपने वजूद को लहू में डबो कर इस अमर का ऐलान फरमा गए कि ये माले गनीमत, ये किस्मत कुशाई, ये हमारा हदफ नहीं। हमारा हदफ तो अल्लाह की रिजा रिजवान है। अल्लाह ने उनको ये मुकाम बुलंद अदा किया कि हर धड़कते हुए बाज़मीर दिल में और हर बाशऊर दिमाग में शुहदा की मोहब्बत की दुनिया तक के लिए अमर फरमा दिया। और शायर ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा दिया, सिराए शहीद क्या है तब वो ताबे जाविदाना, शहादत का सिरा ये है कि शहीद की अजमत गर्दिशे दौरा से मिटती नहीं, बल्कि हर आने वाले दिन के अंदर। सिराए शहीद क्या है तब वो ताबे जाविदाना, शहीद जहां पर परिंदों के कालम में जन्नत के मेवों को खाता है, वहां पर इस दुनिया फानी के अंदर हर मुसलमान और मोमिन के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत को सबक कर देता है। और सिद्दीकीन वो कि जिनके ईमान की शहादत सिद्दीकीन ने खुद नहीं दी, बल्कि जिनके ईमानों की शहादत खुद खुदावंद ने मुताल दी है। वल्लजी जा बिस्सिद्दी व सद्दक बिही उलाइक हुमुल मुत्तकून, हजरत रसूलुल्लाह सच्चाई की दावत लेके आए, सिद्दीक ने दलाई को बराहीम को नहीं देखा, सिद्दीक ने देखा चेहरा अनवर को देखा है, सिद्दीक ने देखा रूहे ज़ेबा को देखा है, सिद्दीक ने देखा वज़ुहा के चेहरे को देखा है, सिद्दीक ने देखा वल्लैल की ज़ुल्फ़ों को देखा है, सिद्दीक ने देखा अलम नशरा के सीने को देखा है, सिद्दीक ने देखा गुजरती हुई जिंदगी के 30-35 साल के माहो साल को देखा है। सिद्दीक ने समर का ऐलान फरमा दिया, यकीनन हजरत रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने कहा सिद्दीक तुमने हजरत रसूलुल्लाह के ईमान की शहादत क्या दे दी है, मैं तेरे ईमान की तस्दीक करता हूं। पर अंबिया वो कि जिनको इस दुनिया में रहते हुए ये एदाद हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनके साथ कलाम किया, हमने कलाम किया उलमा से कलाम किया, हमने इनको हासिल किया उलमा से हासिल किया, हमने इनको हासिल किया अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया हाफिज अब्दुल मन्नान बदीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया सैयद नदीर हुसैन मुअज्जज देहलवी से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया हजरत शाह इसहाक से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया हजरत शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया हजरत शाह वलीउल्लाह से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया अपने वाले शाह इब्राहिम से हासिल किया। बात बढ़ती बढ़ती अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज हजरत इमाम बुखारी के ऊपर पहुंची, उन्होंने इनको हासिल किया तर्जमान सुन्नत अहमद इब्ने हंबल से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया इमाम मुहिद हजरत इमाम शाफई से हासिल किया, इमाम दारुल हिजरा हजरत इमाम मालिक से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया शेखुल कुरान हजरत नाफे से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया
मुहद्दस उम्मत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से हासिल किया, उन्होंने इनको हासिल किया, हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब हुजूर की बारी आई, वमा कुंतु मिन कब्लिही मिन किताबिन वला तखुतुहू बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुबिनून, हजूर ने इनको हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, हजूर ने इनको हासिल किया, अल्लाह अल-उयूब से हासिल किया, सत्तार अल-उयूब से हासिल किया, गफ्फार अस-सुदूर से हासिल किया, हला कुल्लि शैइन कदीर से हासिल किया, बाली मा युनी से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इकाब से हासिल किया, अल्लाह ने हकीकी से हासिल किया। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का इल्म गंदी से पाक है कि ला यसिलु रब्बी वला यंसा, इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह जो अल्लाह के शागिर्द रशीद हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा के तहत उनका इल्म गंदी से पाक है। हजरत ग्रामी कदर हासिल किया, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वहदहू ला शरीक से हासिल किया। चुनाचे हम ये बात कहने में हक बजानब हैं कि रूए जमीन के ऊपर इन चार गिरोहों में से सबसे आला गिरोह नबियों का गिरोह है, और नबियों के अंदर से भी साहिब शरीयत रसूलुल्लाह का गिरोह है, और साहिब शरीयत रसूलुल्लाह में से भी रसूलों का गिरोह है। लेकिन जब हजूर की बारी आती है, पूरी कायनात का मुकाम नीचे है, हजूर अकदस का मुकाम ऊंचा है। हजरात ग्रामी कदर, लेकिन इसके साथ साथ हमने इस बात का भी मुशाहदा किया है
رسول کی صدا سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے، اور ہم برطانیہ کے کار پر دادوں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور ڈیفیمیشن کے قوانین کو مانتے ہیں تو آپ کو بلیس فیمی لاس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کو توہین رسالت کے مجرم مسلمانوں کے سینوں کو چھینتے ہیں، ان کو اشتعال دلاتے ہیں، ان کو غصہ دلاتے ہیں، ان کے اندر ایک ایسا زہم پیدا کرتے ہیں کہ جس زہم کی وجہ سے پورا سینہ سلگتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سب کو ختم کرنے والے جس حق کی بات کرتے ہیں، یہ غیر انسانی حق ہے جس کا کوئی مہذب یادو نہیں دے سکتا۔ حضرات آپ کے دوسرے پہلو کے اوپر بھی غور کر لیجئے، ایک ایمان ہے جو مغربی معاشروں کے اندر بیٹھا ہوا دین اسلام کا دشمن کرتا ہے کہ مجھے حضرت رسول اللہ کی ذات قدس کے اوپر آپ کی توہین کرنے کی اجازت دی جائے، اس مطالبے کے ساتھ ہمارا سینہ تھرا جاتا ہے اور ہماری روحیں کپکپا جاتی ہیں اور ہمارے وجود زمین ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر انتقام اور اشتعال کی ایک آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جو حریت فکر اور مذہبی آزادیوں کی آڑ کے اندر صحابہ کرام کے اوپر سب کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہم نے ابو بکر کو گالی دینی ہے، ابو بکر کو کافر کہنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر مذہبی آزادی کی کوئی قسم ایسی نہیں جو انبیاء اور مقدسات امت کی توہین کرنے کا جواز دے، اس کی اجازت دے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، ہم ریاست کے کار پرداروں کو اسٹیبلشمنٹ کے اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ملک میں امن چاہتے ہو تو ناموس رسالت کی طرح پنجاب اسمبلی کے اندر جس تحفظ بنیاد اسلام پھر کی بات کی تھی، آج دوبارہ اسی تحفظ بنیاد اسلام پھر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت ابو بکر سے لے کر سیدنا معاویہ تک کسی صحابی کو نہ کافر کہنے کی اجازت دیں گے نہ لعنت کرنے کی اجازت دیں گے۔ حضرات پرچے کاٹے جا رہے ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے، انصاف ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے۔ ایک پرچہ کاٹا گیا صدیق کو کافر کہنے والے کے اوپر، اور ایک پرچہ کاٹا گیا کافر کو برا کہنے والے کے اوپر، ایک پرچہ کاٹا گیا سیدنا امیہ معاویہ کے اوپر لعنت کرنے والے کے اوپر، اور ایک پرچہ کاٹا گیا لعنت کرنے والے کے اوپر۔ کیا یہی تمہارا انصاف ہے؟ کیا یہی تمہارا، کیا تم رات اور صبح کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے؟ کیا تم اندھیرے اجالے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے؟ کیا تم حق و باطل کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے فرزند ہو اہل سنت کا، فرزند ہو اہل حدیث کا، سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کی بات کرتا ہے، فاطمہ کے تقدس کی بات کرتا ہے، سیدنا حسن و حسین صدیق کا احترام پاکستان کی فضاؤں سے منوا کے چھوڑیں گے، فاروق کا احترام پاکستان کی فضاؤں سے منوا کے چھوڑیں گے، عثمان و علی کا احترام پاکستان کی فضاؤں سے منوا کے چھوڑیں گے، حضرت امیہ معاویہ اور حضرت ابو سفیان کا احترام پاکستان کے دور دیوار سے منوا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، و تحفظ بنیاد اسلام بل کو انشاءاللہ پاس کروا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کے آپ یہ کام کروانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اس ملک میں امن رہے گا، قائم رہے گا، دائم رہے گا، لیکن اس ملک کے اندر انشاءاللہ مقدس امت کا احترام بھی باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहू व मन युज़लिलहु फला हादिया लहू व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حضرات گرامی قدر کسی بھی ریاست میں بسنے والے تمام لوگ نہ ہم مذہب ہوتے ہیں نہ ہم مسلک ہوتے ہیں ریاست لوگوں کے مذہبی معتقدات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے وہ جس فکر کو رکھنا چاہتا ہے اس کو رکھنے میں آزاد ہے कोई ईसाई है हिंदू है यहूदी है कोई मसला नहीं कोई शिया है कोई सुन्नी है बरेलवी है देवबंदी है अहले हदीस है कोई मसला नहीं लेकिन मसला तब बनेगा जब हजरत रसूलुल्लाह की शान कदस में गुस्ताखी की जाएगी मसला तब बनेगा जब सिद्दीक को फारूक को गाली दी जाएगी मसला तब बनेगा गाली दी जाएगी हजरत ग्रामी कदर के तकफीरी कल्चर ये गालियों का कल्चर बंद होना चाहिए और गुस्ताखों को जो है कैफरे के रात तक पहुंचना चाहिए और उनको गुट्ठे लाइन लगना चाहिए इनको कॉर्नर करना चाहिए। हजरात ग्रामी कदर ये जो बातें मैं आजकल आप हजरात के सामने बातों की बाताश के अंदर किसी कातलाना हमले का होप भी हो सकता है इन बातों की बाताश के अंदर जेलों में जाने के इम्कान भी हो सकते हैं और इन बातों की पादाश के अंदर शामे शहादत नोश करने के इम्कान भी हो सकते हैं लेकिन मेरी जान की क्या अहमियत है मेरे बाल बच्चों की जान की क्या अहमियत है मेरे कुंबेर घराने की जान की क्या अहमियत है मेरा तन मन धन और मेरा पूरा घराना सिद्दीक की सदाकत का निशावर है मेरा तन मन धन और पूरा घराना फारूक उस्मान और अली की अस्मत में निशावर है पूरा घराना हजरत सिद्दीक और हजरत करने वाले और काफर कहने वाले अपनी जुबानों को लगाम दें हम उनसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते अपने घरों में बैठ के जो मर्जी अकीदा रखो लेकिन सरे बाजार सिद्दीकों को गाली देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हजरात ग्रामी कदर अल्लाह के फजल करम से हमारा दामन तकफीर से तशद्दुद से इंतराज से फिरका वारियत की तमाम अकसाम से पाक है लेकिन दुख और तासुब का मुकाम यह है के डंके बजाने वाला पैगाम सिद्दीक की सदाकत के डंके वाला फारूक की अदालत का नारा लगाने वाला जिंदरैन की सहावत का परचम उठाने वाला अली अल मुर्तजा की शिदात का ठुमके बजाने वाला हजरत जमात का बुजुर्गाल में दीन मौला अब्दुल हमीद आमर को जिसने किसी गिरोह की तकफीर नहीं की जिसने हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत हसन हुसैन की शान में कोई तंकीज नहीं की किसी गिरोह को काफिर नहीं कहा आज उसको पकड़ के उसके घर के दरवाजों को तोड़ के उसको जेल से उठाया गया और उसको डियाला जेल के अंदर फिंकवाया गया। हजरत ग्रामी कदर हम हुक्का में पाला से मस्जिद के ऊपर बैठने वाला अजीम शेख हदीस हजरत मौलाना जेलमी के नशो चराग और हजरत मौलाना मोहम्मद मदनी के बराबर असर को बिलफोर अडियाला जेल से रिहा किया जाए और उनको मिंबरे असरिया के ऊपर बिठा दिया जाए। अल्लाह के फजल करम से हम हजरत मौलाना अब्दुल हमीद की बालियाबी के लिए उनकी रिहाई के लिए भरपूर अंदाज में आवाज को उठाएंगे और अल्लाह के फजल करम जेल भी जाना पड़ा जाएंगे इंशाल्लाह। हजरात ग्रामी कदर मौलाना अब्दुल हमीद को रिहा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह मौलाना अब्दुल हमीद रिहा होंगे। अदब करने वाले लोग इंशाल्लाह एहतराम करने वाले लोग जुमे भी पढ़ाएंगे दरस भी देंगे नमाजें भी पढ़ाएंगे और